मंगलम भगवान गिरो मंगलम गौतमणि मंगलम कुंदकुंदातिगेन्द्रमोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम वंदित सर्वसिद्धि धूमचल मनोभवम गतिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुरिमणिमो सुत्केवली वणिदम नमाशमे शारायेश्वानुभूत्या चकास्ते इश्वावाय भावाय सर्वावान्तरचरे सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्गंति शासन जयवंत वर्ते यही भाव अवच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते भक्ति विवोर हुआ परमेश्वर चरणन शीश नवाता हूँ मंगलकारी हो प्रभावना यही भावना भाता हूँ हरीश्वर भगवान की जय सरसर नायक महावीर भगवान की जय क्या सेवन करने लायक है क्या जानने लायक है किसकी श्रद्धा करने लायक है किसमें रमने लायक है यही सेवन करने लायक है या सिद्धांत 185 का स्वाध्याय चल रहा है ये सिद्धांत सेवन करने लायक है तो यही सुनने लायक है यही विचारने लायक है यही निर्णय करने लायक है इसी का प्रधान ज्ञान ध्यान करने लायक है यही लायक है यही योग्य है और सब अयोग्य है। भगवान आत्मा उसकी साधना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहना चाहिए। जिनके चित्त की चरितता जिनके चित्त का चरित्र उदात चित्त की उच्चता चित्त की उदारता और चरित्र की उच्चता उदार उज्ज्वलता चित्त की उच्चता के बिना चरित्र की उच्चता कहां से होगी अभिप्राय की उच्चता समझाया नहीं हो पाएगा क्या कौन है क्योंकि बहुत से लोग बिना ग्रंथ के मल ले रहे हैं चित्र चरित्र चार सौ 477 पेज हैं जिनका बुला लो भैया उनको बिना चौकी की नहीं लेना और बच्चों को पहले दिखा दो बस बैठ जा बैठ जा बैठ उच्चता महानता महामहिमपना हाँ
इनका चित्त उदात्त है। उदात्त है मतलब उदार है, तो चित्त उदार है। कैसा उदार है? प्रेम भाव सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत वही दुखियों पर, दुर्जन में बचे, ये उदारता है। और ये उदारता के साथ चरित्र की उदारता है, अभिप्राय निर्मल हो गया है। अभिप्राय निर्मल हुआ, अभिप्राय की उदारता है। अब अभिप्राय की उच्चता है, अभिप्राय की उज्ज्वलता है, अभिप्राय निर्मल हुआ है। अब कौन मलिन करे? कदाचित अभिप्राय निर्मल है और कदाचित चित्त में कोई मलिनता भी आएगी तो वो मलिनता टिक नहीं पाएगी, क्यों? भीतर निर्मलता बसी हुई है। भीतर तो विश्व की ऊपर उतरता हुआ तत्व की महिमा आती है, इसलिए हे मुमुक्षार्थी, हे मुमुक्षुओ, तुम अपने चित्त को अर्थात तुम संसार शरीर भोगों से उदास होकर अपने चित्त के अभिप्राय को, मन के अभिप्राय को उदार बनाओ। उदार समझ में आया? सर्व जीवों के प्रति बड़ा पवित्र भाव रखो, उदार बनाओ। चार हमारे दो इनके, ऐसा नहीं उदार बनाओ। सब आत्माती हमारे हैं, उदार। कैसी उदार दृष्टि आचार्य महाराज की? वही मजंतु निर्वर ममी सममेव लोका, ये जगत के सब जीवो तुम तो आत्मा में मग्न हो जाओ। कैसी उदारता थी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, दस भव तक उपसर्ग किया, नौ भव तक और दसवें भव में भी किया, समो शरण में आया, सम्यक्त का निमित्त रैणिक ने मुनराज यशोधर के गले में सर्प डाला और मुनराज ने उसको सम्यक्त रूपी रत्न दिया। द्वार कथन है भाई, समझे ना उसको, यद्यपि अंदर से लिया लेकिन निमित्त तो वही है ना। और जब वो आए तो क्या दिया? धर्म वृद्धि, और धर्म वही प्रकट हो गया। यानी उन जिनके गले में सर्प डाला उन्होंने उनके गले में सम्यक्त डाला, इसका नाम है उदारता, उत्तम वस्तु, उदार। शत्रु के प्रति भी उच्चता, उच्चता बहुत ऊंचा। आत्मार्थी का सोच कभी छोटा नहीं होता है। हल्के हल्की सोच वाले आत्मार्थी मुमुक्षु नहीं हुआ करते हैं। उच्चता जिनके चिंतन में भगवान आत्मा चलता है, सिद्धों के समान, किसी के जरा सा वो देख भाव को देख करके उसके प्रति कोई गिलानी का भाव हो जाए, ऐसा मुमुक्षु कैसा हो सकता है? एक समय का परिणाम है, चला जाता है भाई। उच्चता वसी है, उदारता वसी है, उज्ज्वलता वसी है,
भैया अकेली अभी हमने इसमें से उज्ज्वलता का अर्थ किया है, उच्चता का उदारता का और अर्थ लगाइयो। समझ में आया? जैसी उज्ज्वलता का 8 दिन तक अर्थ करते रहे बराबर, ऐसी उच्चता का अर्थ, कैसी उच्चता, कैसा ऊंचा, कैसा उच्च होता है वो, उसका चित्त उच्च हो, चित्त ही उच्च नहीं अभिप्राय उच्च, चित्त उदार नहीं अभिप्राय उदार है, ऐसा जीव वो मोक्ष चाहती है, वो मुमुक्षु है, उसका आनंद निकट आने वाला है, वो ये सेवन करे। ये भाई महाभाग्य से तेरी ऐसी परिणाम हुआ है, तू तो विरक्त हुआ है ना, सब निवृत्ति लेकर के विषय कषायों से बचकर आसेवन करो। मैं तो सदा शुद्ध ही हूं, मैं तो सदा, आगे बोलो, चैतन्य मैं ही हूं। अरे भले ही शरीर है, कर्म है, पुण्य पाप के भाव है, बने रहे ये विवाद किंतु मुझे स्वभाव को छू ना पाए, मैं तो सदा शुद्ध चेतन में हूँ, वहां पर आना पाए, करम तो ऊपर ऊपर रहते हैं मम निकट न आए, प्रष्ट मई मेरी सीमा उसमें नहीं प्रवेश पापा, सहजे ज्ञाने गढ़का वासी आनंदकारी मैं भगवान, परमानंद जराता आत्म दिखता मुझको आओ वासी। यम सारी में भगवान पदम प्रमलधारी देव अब अभ्यावाद का अर्थ करते हुए कहते हैं, सहज ज्ञान गढ़ का वासी होने से मेरे में ये बाधाएं प्रवेश करती नहीं है, सहज ज्ञान गढ़ का, समझ में क्या बोले, गढ़ गढ़ मतलब किला किला, सहज ज्ञान गढ़ का वासी होने से मेरे भीतर मेरे परमात्मा में बाधाएं प्रवेश करती नहीं है, तो अब यह बात करता हूं, वज्रकर्ण के किला में सिंहोदर की तरह यल्ला मचाता रहा, लेकिन वज्रकर्ण तो पदम प्राणी अपने किला में बैठा था, तो सिंहोदर की सेना आई और सिंहोदर की सेना आई और बार बार उपद्र मचाती रही, वार के नगर को सुना करती रही, परंतु वज्रकर्ण के पास नहीं पहुंच पाई, कर्मों की सेनाएं बार बार पर्याय में आकर ऊर्जा मचाती रहती हैं, परंतु मैं चैतन्य में सहज ज्ञान गढ़ के वासी में इनका प्रवेश नहीं होता, मैं उस देश का वासी हूं। कौन से देश का? क्या जहाँ ज्ञानी की धारा बहती है, जहाँ सुख की धारा बहती है, जहाँ परमानंद नित बहता है, चैतन्य में जो रहता है,
या अरहंत प्रभु वर रहते या निर्ग्रंथ गुरुवर रहते। उपसर के भले ही कितने आनंद का झरना झरता है, मैं उस चैतन्य का वासी। कितने ही उपसर के फरिश्ते आते रहे, मैं तो सदा चैतन्यमय ही हूं ना। मेरे चैतन्य रूपी अभेद किला में इनका प्रवेश होता ही नहीं है। असाता आती बाहर में, साता भी आती बाहर में, मेरे में तो नित साता ही है, उस चैतन्य का वासी। कर्म की साता साता से मुझे क्या प्रयोजन। अरे कर्मोदय की साता भी ज्ञानी के लिए तो असाता ही है। साता की सहेली एक अकेली उदासीनता। भगवान आत्मा में आसीन होना यही साता है, और भगवान आत्मा से बाहर आना यही असाता है। शरीर में जो रोग है वो असाता नहीं है, शरीर में जो उपयोग जाता है वो असाता है। मैं चैतन्य का वासी हूं। कौन सा बोल चल रहा है भैया? भैया को छोड़कर बोलो। मैं तो दूसरा छोटा हूं, नहीं जानते। मैं तो सदा चैतन्य वही ही हूं। अरे मैं किसे कहते हैं? जिसको कहेंगे घन घन, जिसमें दूसरी वस्तु प्रवेश करे ना। चैतन्य 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 आनंद झरता रहता है मेरे में तो। अब कह रहे चैतन्य दिखाए, आप आनंद कैसे करे? कि ज्ञान की अंत्य पात्नी अनंती शक्तियां हैं। चैतन्य मैं हूं अर्थात जीवत्व मैं हूं, चिति मैं हूं, प्रभुत्व मैं हूं, विभुत्व मैं हूं, सर्वदर्शित्व मैं हूं। अपामरता मैं भले दिखता हूं, पर पामरता मैं नहीं हूं। आई समझ में कि नहीं? पामरता मैं वर्तमान में भले दिखता, पर पामरता मैं अशुद्धता मैं भले दिखती। दिखता दिखता बाहर में दिखता है ना, शुद्धता है ना, पर अशुद्धता मैं नहीं हूं। मैं और मैं अशुद्धता मैं भले दिख रहा है, पर अशुद्धता मैं नहीं है भाई। तन का वासी हूं। बाहर में कर्तव्य दिखाएगा तो तू मर जाएगा भाई, बाहर जाएगा तो तू मर जाएगा। अपने किला में बैठा बाहर जाओगे तो लाल पीले हो जाओगे यार। ऐसे चैतन्य के बाहर जाओगे तो रागी देसी हो जाओगे। आज कैसे घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है जी? वैसे मन तो था स्वाध्याय का, लेकिन लाल पीले हो जाएंगे, और घर जाके तो लाल पीले होना ही है। तभी बोलो घर में जाओगे तो रंग से बच जाओगे का? राग रंग से रहे तो चैतन्य है। लौकिक में जैसे लोग कोई त्योहार नहीं है अपने यहां, उसका कोई महत्व ही नहीं है। लोग है लोग विरोध है, ये तो कोई बात ही नहीं है। आत्मार्थी को खोलने की जरूरत भी नहीं है इसमें। सब राज चैतन्य हुआ, मैं तो सदा चैतन्य हुआ हूं। जैसे बाहर गए वो रंग डल जाएगा, ऐसे बाहर गए राग का रंग डल जाएगा, तो इसका रंग डल जाएगा। इसलिए चैतन्यमय रहना।
जिन्हें रंग से बचना है वे वार ना सड़कों पे ना जाए, जिन्हें राग से बचना है वे चैतन्य को छोड़कर ना जाए, दुख को छोड़ सुख सागर को छोड़कर ना जाए, अपने घर में गुप्त बैठे वे अपनी तलवार लगा सके। कोई को नहीं रोक पाएंगे, आज हमने कम देर चले जाएंगे, हम पंडित जी के कोग नहीं दिखे तो भैया पंडित जी हो का ऐसे तू बाहर क्यों आया बस, और कोई वो छूट है, वो तो बोले खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं, कर्मो को भी खुली छूट है, उनसे कह रखे अगर कोई बाहर देखे चैतन्य के आराम से लगाओ पिचकारी है। चैतन्य मैं हूं, ज्ञानी करे चिंतन क्या क्या चिंतन करें, केवल दर्शन ज्ञान सुख कैवल्य शक्ति स्वाविजो का सागर है, मेरे में तो आनंद बरस रहा है, तेरे में आनंद सागर बरस रहा है, मेरी शोदात्मा तुझको मैं ध्यान करण परमात्मा चेतन है, मेरी मर्यादा ऐसी है जिसके भीतर या मर्यादित भाव आते नहीं है, जैसी अपनी मर्यादा में रहने वाली बहनें कभी सड़कों पर दिखती नहीं है, अपनी मर्यादा में बरतने वाले उनको कोई देखते ही नहीं है, अरे नजर तो उनकी ओर करते हैं पापी जिनकी मर्यादा ही नहीं है, अपने वस्त्रों से अपनी मर्यादा से ढकी हुई बहनों को कौन, ये कोई सज्जन बहन है, ऐसे ही अपने चैतन्य की ओर नजर करी हो, मर्यादा में रहने वालों को तो कर्म भी नजर नहीं करते, ये तो भाई अलग है, अपने लायक आदमी नहीं है, नहीं आया। वो गांधी जी से कहा जाओ बहनों ने, बापू भाई लोग हम पर कर खोटी नजर करते हैं, बेटा तुम खोटे वस्त्र नहीं पहना कर, ऐसी कर्म हम पर खोटी नजर करता है कि बस तुम चैतन्य से बाहर मत जाया करो, तुम राग का वस्त्र पहनोगे, मोह का वस्त्र पहनोगे, द्वेष का वस्त्र पहनोगे, कसायों के वस्त्र पहनोगे, तो कर्म तुम्हें लूटेंगे, और बेताब जब तुम चैतन्य की मर्यादा के ज्ञानी अपने ज्ञानत्व की मर्यादा को नहीं छोड़ता, ऐसी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व की मर्यादा को नहीं छोड़ता, और ज्ञानी का ज्ञानत्व चैतन्य मैं ही हूं ये भाने का है, ज्ञान मात्र चैतन्य मात्र ये मेरी मर्यादा है, ये मेरी सीमा है, मर्यादाओं का पालन करने के पहले मर्यादा को समझ लेना, नियम लेने के पहले नियम समझ ही लेना, ये कई नियम है, मैं तो सदा चैतन्यमय ही हूं, इसका पालन करना संयम पलेगा आनंद में आएगा, जे आते हैं भाव जाते हैं भाव मुझे क्या, आने जाने वाले मेहमानों से मुझे क्या,
चिंता आने जाने वालों की नहीं होती है, चिंता रहने वालों की होती है। चिंता प्रकट होने वालों की करते हो, रहने वाले का चिंतन करते नहीं हो। भगवान आत्मा ए भव, तू अपना इन विषयों से विरक्त हो, अपने अभिप्राय को निर्मल बना, फिर इसका गोलन कर, बहुत रस बनेगा तुझे। वो तुझे रस नहीं बनता है तो 8 दिन जो चलाया उसके कारण नहीं बना। 8 दिन क्या चलाया? चित्त का चरित्र उदात्त होगा तो रस बनेगा। अब थोड़ा रोग जा रहा है, विकार चढ़ रहा है, तो वजन का रस कैसे बनने लगा अपने आप? भूख खुलने लगी थोड़ी थोड़ी, जितना विकार छटता जा रहा है उतना। ऐसे ही हम सोच रहे हैं, आप लोगों के बीच में रहते रहते हमारा विकार तो छटने लगा, तुम्हारा कितना छटा, भूख कितनी लगी 8 दिन में? हैं जी, लग रहा जीवित बीमार है, कछु नहीं ले रहे भैया, कमने काड़ो ले लेते हैं, थोड़ी खिचड़ी को पानी, दाल को पानी, आए तो कछु नहीं ला। हम तो वो ही ले रहे हैं, तुमने तो कछु नहीं ला। बोलो अनादि से कब के भूखे हो? कभी चैतन्य का रस नहीं पिया? लगता है अनादि से भूखे हैं। ज्ञान अमृत हो जी है, ये तेरा स्वरूप है, तूने ज्ञान अमृत का पान नहीं किया है अनादि से। तेरे अंदर अमृत बरसता है और तू भूखा पड़ा है, तुझे लेने का भाव ही नहीं आता, क्योंकि तुझे मिथ्यात्व का बुखार चढ़ा हुआ है। घर में रसगुल्ला बन रहे और तुम्हारे सामने भी ला रहे, तो भी खाने का भाव नहीं आ रहा, क्यों? बुखार है, विकार है। बेटा तू कहता था ना मुझे रसगुल्ला बना देना, उठ जा उठ जा, 105 डिग्री बुखार है, खा लो बेटा बढ़िया रसगुल्ला है। मौसम नहीं खाते होते, मेरा तो मुंह कड़वा है, मतलब वो 100 वो रसगुल्ला को देखकर भी मुंह बना रहा है वो, क्यों? बुखार है, समझ में? ऐसे ही ये तेरा जो है ना समयसार में भी तुझे रस नहीं बनता, क्योंकि मिथ्यात का बुखार चढ़ा हुआ है। एक ही हूं मैं तो सदा, एक ही हूं। दूसरा बोल क्या है? आत्मा अकेला है परंतु अधूरा नहीं है, अकेले में भी अकेला है और संयोगों में भी अकेला है, अकेले का कभी वियोग होता नहीं है, अकेला कभी छूटता नहीं है। बड़े पंडित जी के वचन है, आत्मा सदा अकेला है, मैं तो सदा एक ही हूं, पर एक ही अंतपात्मी अनंती शक्ति है। भुजन जी की छेड़ाला में आया है, सदा अकेला चेतने भाई साहब है, एक होने पर भी तामाई गुण बसते अनी, एक है फिर भी अनेक है, एक ओर से देखने पर एक है, दूसरी ओर से देखने पर अनेक है। सदा अकेला, और अकेला है, अधूरा नहीं है, तुझे किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। तुझे क्या चाहिए वो सब कुछ देगा, लुट रहा था सब, पर समझदार व्यक्ति ने, उसके ऊपर दूसरा पड़ोसी था तो वो तो सो हीरा और लोहा वो सब इकट्ठा करता रहा और चिंतामणि पर नजर करी नहीं, तो अपना लोहा वो ऐसे इकट्ठे कर कर आ करके थोड़ा बहुत सोना रख लिया और लेकर चल दिया उसने, और तब तक बाहर कोई दूर गया वो भी लुट गया।
पर एक व्यक्ति ने कुछ नहीं उठाया, बस चिंता मणि उठा और चल दिया। और उसकी पत्नी पूछ रही है क्या ले आए, क्या ले आए साथ में, देखो ये इतना भोजन भी रख ला ही ले आए, कम से कम नगरी लूट रही थी। तो बोले हम कछु नहीं लाए हैं, कैसे काम चलेगा, ये पत्थर उठा लाए आप, ये अकेला पत्थर नहीं है, क्या चाहिए बोलो तुम तो। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसी अकेला चेतन एक है, एक है, तुम तो ये बोलो क्या चाहिए, तुम्हें वो सब मिलेगा उसे, क्योंकि अकेला है परंतु अधूरा। तुम्हें क्या चाहिए, हमें सुख चाहिए मिलेगा, शांति चाहिए मिलेगी, आनंद चाहिए मिलेगा, और नरक चाहिए और नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा सुख मिलेगा, अज्ञान नहीं मिलेगा ज्ञान मिलेगा, रखड़ना नहीं मिलेगा स्थिर रहना मिलेगा, जो सुख चाहिए जो कुछ चाहिए वो सब मिलेगा तुझे। तू तो एक एक ही धुन लगा, क्या धुन लगा, विषय बोलोगे तो मजा आएगा मुझे, मैं तो सदा एक ही हूँ, एक ही हूँ, चेतन सद बढ़ गए आगे कहाँ गए, एक ही हूँ, क्या नाम है अमन का भाई, क्या नाम भैया, हाँ स्पर्श ग्रंथ में बैठ जा बेटे, जहाँ से ग्रंथ दिखता है, आज प्रोजेक्टर चालू नहीं हो पाया, बच्चे को दिखता है ना, आप लोगों को तो 8 दिन हो गए, रट गया होगा विषय। मैं तो सदा एक ही हूँ, एक ही हूँ, इसी एक के लिए समयसार है, इस एक के दर्शन कराने के लिए ही आचार्य देव ने वर्णादिक से लेकर गुणिस्तान पर्यंत के जो भाव है उन भावों को न्यारा करके जीवा जीव अधिकार बताया। इसी की एकत्व की रंगभूमि में कुछ मोए वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में, एकत्व की ध्वनि लगाई है, अकेला ही सुंदर है, यहीं तो शुरू हुआ है ना, एक कोई भूलकर काम भोग बंधन रूप प्रवर्त रहा है, इसी एक से ही भगवंतों के वैभव का जन्म हुआ है, इसी एक एक को एकता दिखाने के लिए प्रमत्त प्रमत्त नहीं है गुण वेदों के पार है, यही एक बद्ध स्पष्ट आदि भावों से न्यारा है, यही एक शुद्ध न्याय का विषय है, इस एक की पूरी महिमा है, रंग भूमि में ये कत्व जमा दिया। विकुंद कुंद स्वामी का दे तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा के दर्शन कराना, मैं तो अरे संयोगों में भी अकेला है और अकेले में भी अकेला है, हजारों की भीड़ में आप बोलो बोलो, अरे ऐसा कर हजारों की भीड़ में तो सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, अकेला है और अकेले में अकेला है, भीड़ सब जगह है परंतु साथ कोई नहीं है शेरे साथ, विवाहों की भीड़ सब जगह है परंतु साथ, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं, साथी एक समय सार में, समय सारे साथी है, बच्चा शिकार ही जा रहा है और माँ बोली बेटे टिकट टिकट विकेट नहीं, हमारा मन बना हम तो आज जा रहे हैं चलो, अरे हम तो चले जाएंगे आप हमें रोको मत, चलो उत्तम काम के लिए हम काय करो, चला गए। अब लोकल ट्रेन के डिब्बे में बैठा है, ट्रेन के डिब्बे अगर लोकल डिब्बे में, लोकल ट्रेन का हाँ, अब वो वैसे सामान्य डिब्बे में बैठा है, भयंकर भीड़, लोग ऊपर से भी निकल रहे, ऐसी एक बार हम गए थे ऊपर से भी निकल रहा चार आदमी इधर उधर ऐसे लटक कर, अब जयपुर पड़ते थे तो कुछ भी कल भी नहीं थे बना चल दिए ऐसे लटक के जा रहे हैं शिकार जी के लिए है? और अब वो पूछा क्यों, माँ ने फोन लगाया बेटा
देख लेना तो मित्र को ले जाना, साथ में भैया को ले जाना। बोलो बेटा कोई साथ गया के नहीं? तो साथ में तो कोई नहीं है, जगह वगैरह मिली के नहीं? वो इतनी भरा है कि ऊपर से निकल रहे, मानो भीड़ तो इतनी है। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझो कि नहीं आया? कोई साथ के भीड़ है पूरी, भीड़ तो इतनी कि ऊपर से निकल रहा है ऊपर साथ साफ जी, जितनी भीड़ है स्त्री पुत्र आए सब ऊपर से निकल रहे हैं, बहुत सब इधर इधर इधर, परंतु सार कोई नहीं है, एक तेरा समय सारी साथ है, अकेला है ना। और अकेले के बल पर अकेले आनंद में रहा जाएगा, अकेला तो आनंद का रहा जा सकता है, संयोगों में कितने समय रहा जाए, अकेले का मार्ग है, अनंत काल तक आनंद करेगा अकेले के साथ। मैं तो सदा एक ही हूं, जो गया है जो बिछो वियोग हुआ है, जिसका वियोग हुआ है उसका पहले से वियोग है, और मेरे ज्ञान आनंद का तो कभी मेरे से वियोग होता ही नहीं है। इसी एकत्व के लिए भगवान ने पुण्य कर्ता कर्म अधिकार लिखा है, अकेला है तो फर का कर्ता नहीं है। इसी एकत्व को दिखाने के लिए पुण्य और पाप दोनों भाव से न्यारे हैं, ये इसके नहीं है, ये कहना। इसी एकत्व के दर्शन कराने के लिए आश्रम अधिकार में अकेले को बेटता ज्ञानी को निर्जरा हो रही है, आश्रम आश्रम नहीं होता। इसी एक को दिखाने के लिए का उपयोग तो उपयोग में वेद विज्ञान की धारा बराई है। इसी एक के दर्शन कराने के लिए का इसी में रत हो, संतुष्ट हो, तृप्त हो। इसी एक ज्ञान का, इसी एक ज्ञायक भाव का है, सभी ज्ञान अभिनंदन करते हैं, भेदते नहीं है अपितु अभिनंदते हैं। इसी एक के दर्शन कराने के लिए निर्जराधिकार में लिखा है, इसी एक के लिए कहा है, इस एक को भूलकर ही अध्यवसान रूप होता हुआ बंध को प्राप्त होता है। इस एक के लिए ही रागादिक को छेदन करके और अभेद चैतन्य को प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा छैणी की बात की है। इसी एक में रहता हुआ सर्व विशुद्धता को प्राप्त करता है और यही एक ही अनंत शक्तियों रूप होता है। समझ में पूरा अधिकार आ भगवान आत्मा तो सदा कैसा है, एक नहीं लिखा, एक ही है। ये किसका प्रतीक है, निबंध से बोलो, दृढ़ता का प्रतीक है। ही मतलब दृढ़ता का प्रतीक है। कभी एक भी हो जाता हो, अनेक भी हो जाता, अनेक एक लिखा तो है महाराज, अरे अनेक लिखा है तो वो अनेक ऐसा अनेक नहीं लिखा है कि स्त्री पुत्र आदि रूप भी हो जाता है कदाचित, ऐसा ही अनेक थोड़ी है। कर्म रूप हो जाता हो ऐसा अनेक नहीं लिखा, राग आदि रूप हो जाता है ऐसा अनेक नहीं लिखा। अरे भेद करने पर अपने अनेक गुण पर्याय और रूप प्रवर्तता है और वैसे एक ही है, क्योंकि ऐसा कोई भेद अखंडे अभेद भगवान चैतन्य भगवान आत्मा में नहीं है। क्योंकि न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, सुविशुद्ध ज्ञान स्वरूपो हम द्रव्य से पूरा एक होने पर भी, चित्र से पूरा काले भाव से पूरा चेतन काई बात नहीं। सीता जी जंगल में बैठी हैं और विचार कर रही हैं, वो सीते वो आत्मा महल में भी अकेले थे और जंगल में भी अकेले हैं। महल में भी पंच परमेष्टी और शुद्ध आत्मा शरण थे और जंगल में भी पंच परमेष्टी और शुद्धात्मा ही शरण है। और महल में भी रामादि संयोग साथ में नहीं थे और जंगल में भी हमारे कोई साथ में, अरे छूट रही होगी छूटे है, नहीं छूट रही होगी का तो कहाँ छूटा है, सदा अकेला है आत्मा। और परम ज्योति ही हूँ, अगला बोल क्या है, स्वयं प्रकाशमान विसज स्वय संवेदन मई ज्योति हूँ। पानी शक्ति से लेना तो स्वयं प्रकाशमान कैसी कैसी ज्योति है, किसी दूसरे से प्रकाशित होती हो ऐसा नहीं है,
किससे प्रकाशमान? स्वयं प्रकाशमान। हाँ, स्वयं विशद स्पष्ट ऐसी निरंतर अनुभव वेदन में आती हुई स्वयं संवेदनमयी प्रकाशत्व शक्ति। उस प्रकाशत्व शक्ति से प्रकाशमान होने से परम ज्योति रूप। पकड़ में आया कि नहीं आया? मैं तो सदा परम ज्योति ही हूँ। एक साथ बोलो बच्ची पीछे वाले, सदगरम ज्योति ही हूँ। समझ में आया कि नहीं? मैं तो परम सदा परम ज्योति ही हूँ। परम ज्योति मतलब मैं तो दूसरे से प्रकाशमान हूँ ऐसा नहीं हूँ। धन्य कुमार कह रहे थे भले भाइयों ने छोड़ दिया लेकिन मैं तो परम। पाप का अंधकार, पुण्य का अंधकार, कर्म का अंधकार, रागादि के अंधकार, कोई अंधेरा बना रहे, मैं तो परम ज्योति हूँ। हे बच्चों, जैसे कल धन्य कुमार ने गुफा में प्रवेश किया, काली गुफा में, तो गुफा में क्या हुआ था? उजाला हो गया था। देखो तो बच्ची नहीं पकड़ी, क्या हो गया? इतने दिन बच्चे पकड़ लेते, उजाला हो गया था। ऐसी परम ज्योति में भगवान पर्याय में आएगा तो रात का अंधेरा है, वही का अंधेरा है, क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। अपने जीवन को उजाले में बनाना है तो इस परम ज्योति में आ जाओ। इस प्रकाशमान को भूल करके ही तेरा जीवन अंधकार में बना है। जो इस प्रकाशमान में रहते हैं वे प्रकाशमान रहते हैं। अरे उनके तो क्या वीतरागता का सम्यक्ता आदि का प्रकाश को देख देख के दूसरे अंधकार वाले प्रकाश में हो जाते हैं। स्थूल उदाहरण है, सूर्य तो स्वयं से प्रकाशमान है और ये वस्तुएं सूर्य से प्रकाशमान है। स्थूल क्यों कहा? कोई दूसरे से प्रकाशमान होता? भगवान आत्मा तो स्वयं से प्रकाशमान है और पर्याय में जो प्रकाश वितरागता हुआ वो आत्मा से हुआ है। रसगुल्ला मिश्री स्वयं से मीठी है और रसगुल्ला मिश्री से मीठा हुआ है, शकर से मीठा हुआ। आपकी भाषा बोले व्यंजन जो मीठे हुए हैं वे मिश्री से हुए हैं और मिश्री जो मीठी है वो स्वयं से है। भगवंतों को जो प्रकाश है वो आत्मा से है और आत्मा जो प्रकाशमय है वो इसीलिए एक साथ बोलो मैं तो परम घोर अंधकार में महात्म नाम की पृथ्वी में भी जहाँ पर भयंकर काला अंधेरा है और वहां भी जिसने परम ज्योति भगवान आत्मा को देखा प्रकाशमान जीवन हो गया। आहा, यहाँ सर्व स्वर्ग में भी रत्नों के ग्रीवक में रहने वाले, रत्नों के प्रकाशों में रहने वाला अंधकार में है और महात्म में रहने वाला ज्ञानी जीव कदाचित वहां पर सम्यक प्राप्त कर लिया। प्राप्त करके जाता नहीं है परंतु वहां पूर्व संस्कार आदि से प्राप्त कर लिया, तो प्राप्त कर लिया तो सातवें नरक में भी प्रकाश में और गिरीवक में भी अंधकार में। भगवान आत्मा के प्रकाश में रहोगे तो सदा प्रकाश में जीवन होगा। पाप का अंधेरा पुण्य का अंधकार मेरे में कभी न आए रहे चैतन्य का प्रकाश। दुख सुख पीड़ा आदि बाहर रहती ना, बाहर लौटना छुए ना मुझे को ना। मैं तो सदा चैतन्य में परम ज्योति हूँ ना, समझाए मैंने निजना।
बार बार विलोटती रहती है, बार बार बैठती है। मेरे भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। मैं तो सदा, बोलो, मैं तो सदा परम ज्योति हूँ, मैं तो सदा, एक साथ बोलो और बोलो, मैं तो सदा परम ज्योति हूँ। मेरे में कोई अंधेरा आता, कौन सा अंधेरा, ये वार का ये वाला अंधेरा तो है ही नहीं, पर राग का, भय का, कर्म का, विकल्प का कोई अंधेरा मेरे अंदर प्रवेश करता नहीं है। अरे अंधकार का कोई प्रत्यक्ष स्रोत होता ही नहीं है, अंधकार तो वहां बैठता है जहां प्रकाश नहीं होता है। अरे सूर्य का प्रकाश के स्रोत सूर्य है, ये तुम्हारे बलवादिक है लोकज ने, पर अंधकार का स्रोत क्या है बोलो? अंधकार का स्रोत तो प्रकाश का अभाव अंधकार। ऐसे ही अंधेरा वहां बैठेगा जहां प्रकाश नहीं होगा। राग का, मोह का, द्वेष का, विकल्पों का अंधकार वहां आएगा जहां चैतन्य का प्रकाश नहीं होगा। कर्मों ने जाकर के भगवान से शिकायत की है, वो अंधकार ने जाकर भगवान से शिकायत की, क्या शिकायत करी कि भगवान ये प्रकाश मुझे बड़ा हैरान करता है। उदाहरण है वो सामान, उदाहरण उदाहरण समझियो, दृष्टांत झूठे भी होते, सिद्धांत साचा होता है। टोटर मंजी को पढ़ लो, है तो जाकर के शिकायत करी, ये अंधकार मुझे बहुत हैरान करता है, प्रकाश मुझे बहुत हैरान करता है। अंधकार ने शिकायत की, बोले क्या करता है ये महाराज, मुझे टिकने नहीं देता है। कौन? प्रकाश। चलो ठीक है भाई, वो साथ वो महाराज भी आया नहीं, कोई बात नहीं, बुलाते हैं उसको। बुलाया अंधकार गोल क्या करें, ओ बोला भाई भाई ये बड़ी वो है प्रकाश, अंधकार तुम्हारी शिकायत करने आया, तो महाराज बताओ कहाँ है अंधकार। अरे अभी तो यही खड़ा था, नजारे कहाँ चला गया, अभी तो शिकायत कर रहा था। बोले महाराज मैं कॉल करार करता हूँ, मैंने तो आज तक शकल नहीं देखी, आपके तो परेशान करता है, मैं आपके सामने कसम खाता हूँ मैंने आज तक सकल नहीं देखी। ऐसी आत्मान है ये राग आदि अंधकार की, दुख अंधकार की सकल नहीं देखी। ये राग रूपी अंधकार की सकल, मोह रूपी अंधकार की सकल, दुख रूपी अंधकार की सकल उसे देखने पड़ती है जिसे ने आत्मा की सकल नहीं दी। मगर माया कि नहीं आया, और गली में सुबह सुबह सवा सात बजे आता है एक व्यक्ति, और उल्टा सीधा नशा करे रहता, और गालियां बकता है, मैंने क्या क्या करता है, अगला मजा आता है 8 बजे तक। बोले हमने तो सकल नहीं दी। बोले क्यों? हम तो सब भगवान की सकल देखते, वो उस समय तो हमारा जिन रूप देखने का काल है, और वहां हम तो भगवान के पास रहते हैं। तो जैसे प्रातः उठ करके जो जिन रूप को देखा करते हैं, वो दूध वाला कब आया, वो भला वाला कब आया, वो ये कब आए, और ये भैया लोग तो अपने पूजा में मांगना उन्हें सुबह सुबह। तो ये घोटी घोटी सकल है कौन को देखने पड़ती है सुबह, दूध वाले की सकल देखो रे, फला की सकल देखो रे, जागो देखो रे, सब को सकल देखो। एक बार मैं किसी के घर पर रुका था ऊपरी मंजिल में, और सुबह सुबह से बोल आए भैया जी पंडित जी, वो तो रुकते थे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, यही था वो तो अभी तबीयत खराब थी, बहुत साधनियों के भाव रहते थे, मिलना नहीं हो पाता था। सुबह 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 भैया आ गए, वो बोले पंडित जी आज बड़ा विकल्प हो गया, बोलो जल्दी से। बोले आज तो अपशकुन हो गया। बोले क्यों अपशकुन हो गया? बोले सुबह सुबह से हो गया, अब आप तुझ कछु उपाय बताओ। क्या हो गया? बोले वो मुर्दा दिख गया। मुर्दा कैसे दिख गया? बोले वो गली में बाजे बज रहे थे बैंड बाजे, जाना जी जाते हैं ना, जाना जी जाते हैं, हमारे घर ऐसी रूढ़ी, बहुत ज्यादा जो जी जाते हैं ना उनके उनके उस पर बाजे बजाते हैं। मुश्किल से गया है घर से, सुगाते निकाला, इतने दिन से सोच रहा है चला जा चला जा, उसके रट्टा छूटा है, बाजी और बजा के ज्यादा घर में रहोगे सो जा, मरोगे तो। अरे क्या ठीक है भाई,
बोले मैंने कहा आज ही देखा कर रोजाना, अरे रोजाना को देखे पंडित जी वो तो आज चले गए हो ऐसे उसको देखने के लिए आओ चक्कर, आप तो ये बताओ उपाय क्या है। हमने कहा हमें तो पहले ये बताओ रोजाना देखते हो कि नहीं देखते, रोजाना नहीं देखते पंडित जी आप तो ये बताओ मजाक क्यों ले रहे हो। मैंने कहा सुनो दर्पण के सामने सुबह सुबह क्या देखते हो बोलो, ये जिंदा है कि मुर्दा है, ये दे ये चिरकाल से है मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा वही, ताजा आज नफरत से ये मुर्दा, चलो यार चलकर करें मुक्ति राज। हमने नहीं लिखा शिवराम जी का है, है? शिवलाल जी का शिवराम है, ये दे ये चिरकाल से है मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा वही, ताजा आज नफरत से ये मुर्दा आज क्या, अब मुर्दा है मुर्दा, सुबह सुबह क्या देखते हो, जिंदा तो वे देखते हैं जो जिन रूप को देखते हैं वो चिद रूप को देखते हैं, समझ आया, आंख खोलते ही आता हूं जिनको जिन रूप दिखाई देता है। हाँ कहा मुर्दा के श्रृंगार में सुबह सुबह से लग गए मुर्दा सजा लगे, जो भैया काल में गए थे आरती सजा रहे थे सुबह सुबह, तो ये क्या कर रहे थे सुबह नहा रहे ऐसा लगे ऐसा लगे, क्या कर रहे हो क्या सजा रहे जल्दी बताओ, बता रहे सजा रहा हूँ मुर्दा सजा रहे हो, सीधी बात है पंडित जी मुर्दा सजा रहे क्या दिक्कत, क्यों कोई दिक्कत तो नहीं, सुबह सुबह मुर्दा में लगे हो, अरे अरे ब्रो जिन रूप को देखो प्रादा, अमृत दर्शन न करके जहर दर्शन कार्य करते हो, ओए क्या भाई ये तो आचार्य महाराज कहते हैं भैया ये तो सब ये तो सब मुर्दा की दुनिया है, एक बार कोई बहन बोली वो फूल गिर गया, किसका फूल गिर गया मुर्दे का ही तो गिरा है, वो मुर्दे के फूल तो सुने झूले लायक भी नहीं होते हैं, ऐसे कहा नजर करना। भाई बोले पंडित जी ओ अल्लाह आप प्राण तो पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हैं भैया हम, लेकिन छल कछु ग्रहण नहीं करा, ध्यान रखे तुम आज तुम तो छल वाले होते हो, तल्ला तो खोज खोज के हमारे सामने, देखो ऐसा देखो ऐसा देखो, जो जवाब पढ़ेगा ना वो जो जिस दृष्टि से पढ़ेगा, साथ तो चारों व्यारियों को और अदृष्टि बना करके चित्त का चेतोदात नहीं है, तो वो जो पढ़ेगा उसमें से क्या निकालेगा, देखो एक जोंक होती है एक बछड़ा होता है माँ का गाय का, तो बछड़ा चारों थनों में कहीं भी लग जाए क्या निकालेगा, दूध निकालेगा, और जोंक कहीं भी लग जाए चारों थनों में गंदा खून ही पिएगी वो, ऐसे ज्ञानी तो चारों अनियोगों में से कहीं भी बैठ जाए वो बीत रागता का अमृत निकालेगा दूध निकालेगा, और मिथ्या दृष्टि तो हर जगह राग का पोषण करेगा, पुराण पुरुष भी तो ऐसे वो ऐसा वो आदिश्वर भगवान वो नीलाम जाकर देख रहे थे, बोले हाँ देख तो रहे थे, तो फिर जब वे देख रहे थे हमें टीवी देख रहे उनका बारे हो, अच्छा ठीक है आज तुम टीवी दिखाते हो तो बैठ देख लो, दे गए थे फिर जंगल अब तुम्हें ले चलेगी, वहां भी देखते देखते और पता भी नहीं चला और थोड़ा सा लगा ही मर गई, वो तुम्हारे सामने हजारों मरते रहते कटते रहते जलते रहते हो तो आराम से देखते रहते, चलो आज तुम मैं छूट नहीं दे रहा याद रखियो, हाँ चलो देखो और वो एक ही मर जाए ना तो चले जाइए उठ कर, चलो ठीक है बोलो, कहने का तात्पर्य ये है क्या रे भाई क्या कहूं, बोले लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी 6 महीना तक कंधे पर रखे रहे थे मुर्दा तो 6 महीना तक, और आप तो कहते तो 48 मिनट के बाद ही करता हूँ, मैंने भैया नारायण का शरीर देता है सब सब जाए वो तुम्हारे हमारे शरीर से कल्पना मत करो कि 48 मिनट में जीव पैदा हो जाए, उनका शरीर और हमारे शरीर में बहुत अंतर है, फिर दूसरा बोले वो ठीक है वो ये विषय छोड़ो, देखो 6 महीना तो मुर्दा को लगा है, मुर्दा कह रहे पानी पी ले भैया पूजा करे भैया ये कर ले भैया, कुछ समझ में नहीं आए बढ़ने, उनके कितने साल के हो गए, बोले साहब 60 साल के हो गए, हमने कहा 60 साल से मुर्दा ढो रहे बिन के कंधे पर तो 6 महीना रखा है और तुम आए तो चल भैया पूजा कर, या जैसे पूजा कर रहे हो इसी से भक्ति कर रहे हो इसी से भोजन कर रहे हो इसी को रात दिन लगा किसको कर ले फिर रहे हो, कंधा मतलब उपयोग,
उपयोग में किसको ढो रहे हो? अपना पहले देखो, उनको तो 6 महीनों कैसो वेद ज्ञान हो, उसके बाद दीक्षा, तुम तो अनादि से मुर्दा ढो रहे हो। ये कही हूं है? हाँ बस ले रहे 5 मिनट। हम तो ऐसे ये वही है, जो चल गए वो चल गया। एक ही हूँ मैं तो सदा, एक ही हूँ। और जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव, क्या लिख रहे हैं? राग मोह द्वेष नाना प्रकार के विभाव भाव प्रकट होते हैं। क्या लिखा? घबराना नहीं, बस 2-3 मिनट में वो कथा बराबर कर दे। हाँ ये तो कह रहे बचे ही जाओगे और क्या होगा। अब तो हमारी खुद ही ताकत नहीं है, ये तो तुम्हारे 8 दिन तुम्हारे भाव से कैसे निकल गए, एक भी दिन अंतरा नहीं आ पाया। हाँ समझ लो। हाँ कह रहे हैं जो है भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के, अब मंत्र तो याद कर लो कम से कम। पंडित जी आए थे, क्या सुनाते थे? सुनो जी, मंगल जैन पुराण जीवन वने महाद्वति, तो याद रह जाते भैया। हर एक जगह लिख के ही भेजी थे, तो इतना लिख देंगे, सुनो जी मंगल जैन पुराण, तो सुनील भैया आ गए शिवपुरी वाले। भैया ये जीवित याद करो हमारा, 8 दिन तो हमने ये चलाया ना गोलन, सुबह तो हमने इस बार कथा ली नहीं। बोलो क्या? मैं तो सदा हैं, पहले बोलो सोचते ही हूँ, मैं तो सदा चैतन्य में ही हूँ, मैं तो सदा एक ही हूँ, और मैं तो सदा, मैं तो प्रकाश मान जो होता है, अंधेरा उसको देखना पड़ेगा जिसको प्रकाश नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए उदाहरण दिया था वो। वो जो भिन्न लक्षण वाले यानी राग, शरीर अपने से कैसा है? इस लक्षण से भिन्न। कर्म है वो इससे भिन्न, पुण्य पाप के भाव है वो इससे भिन्न। भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के, कभी मंदता कभी तीव्रता। अब अभी इसका भी खुलासा है, मैं क्या करूं। विविध प्रकार के भाव क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। अब उनके लिए क्या करना? बे मैं नहीं हूं, बस ए मैं हूं और ए मैं नहीं हूं, क्योंकि वे सभी मेरे लिए क्या है? पर द्रव्य है। अरे शरीर तो पुत्र स्त्री आदि पर द्रव्य तो है ही, पर कर्म भी पर द्रव्य ही है। कर्म तो पर द्रव्य है ही, पर पुण्य और पाप के जो भाव होते हैं देवी क्या है? पर द्रव्य है, क्योंकि पर के लक्ष्य से प्रकट होते हैं। इसलिए वे सब मेरे लिए क्या है? पर द्रव्य नहीं लिखा, पर वे सब मेरे लिए क्या लिखा है? पर द्रव्य है। और भी लगा, दृढ़ता लगा, पर द्रव्य ही है। किसी रूप में 100 द्रव्य होते हो, राग पर द्रव्य है। अरे राग पर द्रव्य है, नियम सार तो कहेंगे पर्याय मात्र पर द्रव्य है, समझना है। और ये मेरा स्वद्रव्य है, तो स्वद्रव्य क्या है, पर द्रव्य क्या है, क्या करना कि सेवन करना, कि कैसे करना, कि चित्त की उदारता के लिए, ये क्या चीज है कि सिद्धांत, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत समय सार में से, नियम सार में से, प्रवचन सार में इतना ही सार है। नसीरीपुर में 2 बालकों का जन्म हुआ था, कथा पूरी करते हैं जल्दी से हैं? एक का नाम अरंजय पिता, विशाला माता, और उनकी यहां 2 भाग्यशाली कुमारों ने जन्म लिया। एक का नाम नंग, दूसरे का नाम अनंग कुमार, और दोनों कुमार बड़ी संस्कारवान, युवा अवस्था में प्रवेश किया। अरे जिसने आत्मा का रस पिया है वो काय को भोगों में पसेगा, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, अपने संयम के मार्ग में लग गए। पिता को युद्ध में जाता देख करके, क्योंकि गृह में थे, देखो विकल्प आ गया, पिताजी गुरुजन काम करें और हम बैठे रहें, ये तो शोभा देता नहीं है, हम जाएंगे युद्ध में। दोनों युद्ध के लिए चल दिए थे। वहां पर विशाल राजा और बड़े बड़े राजाओं के सामने छोटे थे हैं, लेकिन वे बड़े बड़े राजा जितने दिख रहे थे वे सब हार गए, पर विजयी कौन हुए?
नंग अनंग कुमार ने ही राजा को विजयी बनाया। भैया सब छूट जाएंगे, तुम्हारा समय सारी तुम्हें विजयी बनाएगा। विजयी हो दूसरा विशाल राजा, देखने में बड़ा विशाल दिख रहा था लेकिन वह दूसरा राजा और उस राजा की समस्त सेना परास्त हो गई। कौन की कहानी सुना रहे? नंगानंग की है ना। उसको बंदी बना दिया। नंगानंग कुमार से पूछा, बस अब इनके लिए क्या दंड दे? कि क्षमा से बड़ा शत्रु के लिए कोई दंड होता नहीं है। पिताजी तात तुम तात जैसे ही थे, तात के मित्र थे, क्षमा करो उनको। उनको क्षमा किया, जय जयकार लगने लगे। उसी समय चंद्र प्रभु भगवान की दो संस्करण आए अष्टानिका में। आज फिर दूसरा आ गया, कौन सा? चंद्रप्रभु। वो तो चंद्रप्रभु भगवान के पास में गए और भगवान के संस्करण में दिव्य देशना सुनी। क्या देशना सुनी? उस पर्वत जो ऊपर है ना, ऊपर उस पर ये वाणी खिरी, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूँ। विविध प्रकार के जो भाव प्रकट होते हैं वो मैं नहीं हूँ। मोक्ष तो थे ही, भगवान की वाणी सुनते ही अंतर में भगवान ने क्या कहा? हे भवि जीवो, क्या किया? आत्मा सुन करे कुमारे मोहे जई होने की भावना बाई। अब तो मोहे पर विजय प्राप्त करेंगे। किस पर विजय प्राप्त करेंगे? देखो, हार के बाद में दीक्षा ली वैसे तो बहुत प्रसन्न हुए, वह जीत के बाद में द्वारा आ गया हो है? ये बहुत बहुत कम प्रसंग मिलने। हाँ वो तो बराबर है। क्या करे, जीत के बाद वहां तो खेदता भी थोड़ी सी विकल्प थे ना, वहां तो आ गया था ना विकल्प। क्या आ गया था कि कहा ये वो प्रसंग अच्छा नहीं था। ये तो या तो कोई ऐसा कोई खिन्नता का प्रसंग कोई बना ही नहीं कि अन्याय की अन्याय हो गया हो, कुछ वैसा हो गया हो। या तो वो खुद ही अन्यायी राजा, खुद युद्ध करने के लिए आया था। बहुत दीक्षा के लिए तैयारी कर दी। प्रार्थना दिख जिंदाक्षा की करते हुए दिखाते हैं, नंगे अनंग भगवान की मंगल सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो माता। और वे दोनों राजाओं में रहे धनंजय राजा कहने लगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें भेजा है बेटा, और तुम दीक्षा की तैयारी करने लगे। जब तुम्हारे माता पिता हमको कहेंगे कि हमारे बेटा कहाँ है, तो हम उस माता को क्या उत्तर देंगे? तो नंगनंग कुमार क्या बोले? माता जब रोएगी तब क्या कहेंगे कुमार? बोले कह देना पुनः जन्म न लूं दुख कार, अब ना रुलाऊं दूजी जननी करते प्रतिज्ञा सार। चल दिए दो कुमार सब रोक रहे उनको, पर वो रुके नाई अचल द्रव एक भाव से वो चले नाई। अहो रस के आत्म के बिना चाहे कभी संसार, चल दिए दो कुमार वस्त्राभूषण फेंक रहे। नंग नंग भगवान की होली खेलने के लिए क्या कर रहे? वस्त्राभूषण फेंक रहे। अरे असारो जान वैराग मई भूषण धारे आनंद में जान, काले 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 केसे उखाड़े मानो लुंचे करम विकार। क्या कर रहे हैं? काले काले केस उखाड़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है 20-20 साल के युवक जैसे करम काले काले करम ही उखाड़ कर फेंक रहे हैं। चल दिए दो कुमार भाषा संसार असार सार बस इसमें समय सार, चल दिए दो।
हरी दिगंबर दीक्षा त्यों, और दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया। और वे दोनों राजा जो थे कौन कौन सी, एक तो धनंजय और एक अमृत विजय। और उन्होंने लगाया, अजी कुमार महाराज हम अचानक हमारे युद्ध का कारण क्या है, तो ओ नंदन क्षेत्र पड़ना ये उनकी पूर्व का बैर चला आया था। पहले इन राजा ने इनको हराया था, इनने इनको हराया, ये संसार का चक्र है। वो सुन के इनका वैराग देख के भी दोनों भी दीक्षा की तैयारी, और दोनों ने भी दीक्षा ले ली। देख विरागे निपति भी, देख वैराग सुन पूरा वर, दोनों हुए दीक्षे अन्य 15,000 राजा भी हुए दीक्षे। कितनी दीक्षा देख दो, नहीं नंग महाराज ने जब दीक्षा ली उस पहाड़ पर सोना गिरी पर, जब तुम ये कहीं दीक्षा लेके नहीं आओ, ये कहीं दीक्षा लो शिक्षा लेके नहीं आओ, बल्कि घूम घाम के आ तो बजनी कुजा कहा है, शिला कहा है, वो नारियल कुंड कहा है, अरे आसबा का कुंड देखो कहा को नारियल कुंड दिखे फिर रहे, ठीक है देखे आते, लेकिन वहां क्या ये शिक्षा, वे दीक्षा ले रहे हैं हम शिक्षा ले रहे हैं। भगवान वहां भी दीक्षा देव हम लोगों ने मनवाया था छिंदवाड़ा में, हमने ये कहा था वे कपड़ा फेंक रहे हैं हम कपड़ा पहनना सीख जाए, हाँ वे भोजन त्याग करेंगे हम भोजन करना सीख जाए, वे चलना बंद करेंगे हम चलना सीख जाए, वे बोलना बंद करेंगे हम बोलना सीख जाए, कम से कम शिक्षा तो ले लें। पंद्रह हजार राजा जब चली हुई तो कपड़ों का ढेर लग गया होगा, होली खेले मुनराज सोनागिर में दीक्षा को धारण कर लिया है, और क्या किया 15,000 राजा स्वर्णगिरी में जय जयकार लग गए, वो नंगानंद भगवान की सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की, निस्वभाव साधन करते हुए दोनों मुनराज छपक श्रेणी चढ़ घाती अनाश के बन गए, आओ जिनराज नंग नंग भगवान की। कौन हो गए अरंत भगवान, चार घातिया को नाश करा और स्वर्णगिरी में केवल गया दोनों को, क्या हुआ वही बिहार किया मुमराजों ने, और वहीं आकर के फिर केवल गया हुआ दोनों को है पहले, और फिर देखो होली खेले मुनराज है सोनागिर में, नंगे अनंग सोनागिर में देखो है, ये कई धान लगायो वन में निर्जन में, जैसे लोग पहले जलाते हैं फिर रंग बरसाते हैं, ऐसे पहले कर्म जलाते हैं केवल ज्ञान आदि का रंग फिर बरसता है, समझना है कि नहीं। तो क्या हुआ अंत में समय में, तो पूरे भरत देश में उनका ब्याज और अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया, और अंत समय में इसी स्वर्णगिरी में पहुंची। अंतिम समय में स्वर्णगिरी से सोनागिरी से दीक्षा लेते मुक्ति पाते हैं, नंगे अनंग भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और भगवान चंद्र प्रभु से भगवान महावीर तक उस कथा में आया है, वहां पर उस अंतिम भगवान ससन्नायक भगवान महावीर तक 5.5 करोड़ मुनराज उस क्षेत्र से मुक्ति धाम पधारे, 15,000 ने जो चली और नहीं करने के साथ मुक्ति गए, फिर ऐसे 5.5 करोड़ राजा मुनराज उस सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी का कण कण पवित्र है, ऐसी नंग नंग भगवान की कथा से अपन यही सुने शिक्षा ले। जैन पुराणों की मंगल में गाता गाते हैं, नंगे अनंग भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। एक बहुत अच्छे मुनि भगवान की संध्या को कथा अपन प्रारंभ करेंगे, जिन्होंने शिला से जलती हुई होली खेल करके कैसे कर्म जलाए, हमें थोड़ा जोड़ना पड़ता है होली के नाम पर क्या करें, हाँ लौकिक जीव हो ना तो लौकिक जीव को थोड़ा लौकिक लोभ दे करके भी धर्म में लगाते ना आचार्य महाराज है, तो ऐसे ही
अथवा तो दो तीन कथा है हमारे पास में, जौन सी बहुत अच्छी होगी, आपकी श्रवण की नहीं होगी। शिकारी से गणधर की यात्रा, शिकारी बना गणधर, सुनिया मुझसे कहानी है, जो पहले शिकारी थे बाद में गणधर हुए हैं, पद्मरथ राजा, बता देना अगर सुनी हो तो दूसरी सुनानी है, जो होगी बढ़िया सी कथा अपन संध्या की बेला में प्रारंभ करेंगे। ओम है हाँ हाँ, तो फिर अपन बोलेंगे ओम नमः सिद्धे।